हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम LIC का आधार स्तंभ प्लान, जिसका टेबल नंबर है 943, के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात दोस्तों, LIC का आधार स्तंभ प्लान सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए ही अवेलेबल है। फीमेल्स के लिए आधार शिला के नाम से LIC की पॉलिसी अवेलेबल है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें बीमा धारक के पास आधार कार्ड का होना ज़रूरी है, यानी कि अगर आप LIC का आधार स्तंभ प्लान लेना चाहते हैं तो बीमा धारक के पास आधार कार्ड होना कंपलसरी है। तीसरी बात, इसमें कोई भी मेडिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप LIC का आधार स्तंभ प्लान विदाउट एनी मेडिकल रिक्वायरमेंट के ले सकते हैं। अब बात आती है, ये LIC का प्लान लेना किन लोगों को चाहिए। तो दोस्तों, जो बीमा धारक अपनी बचत करना चाहते हैं काफ़ी कम प्रीमियम रख के, वो LIC का आधार स्तंभ प्लान ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस उम्र तक का व्यक्ति LIC की आधार स्तंभ पॉलिसी को ले सकता है। तो दोस्तों, इसमें मिनिमम एज है 8 साल और मैक्सिमम है 55 साल, यानी कि 8 साल से लेके 55 साल तक का व्यक्ति LIC की आधार स्तंभ पॉलिसी को ले सकता है। अब बात करते हैं मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी, यानी कि मैच्योरिटी होने पर मैक्सिमम एज आधार स्तंभ पॉलिसी में क्या है। तो दोस्तों, वो है 70 साल, यानी कि अगर कोई 55 साल का व्यक्ति है तो वो LIC की आधार स्तंभ पॉलिसी सिर्फ 15 साल के लिए ही ले सकता है। अब बात करते हैं पॉलिसी टर्म की, यानी कि LIC की आधार स्तंभ पॉलिसी आप कितने टाइम तक के लिए ले सकते हैं। तो मिनिमम टाइम है इसमें 10 साल और मैक्सिमम है 20 साल, यानी कि 10 साल से लेके 20 साल तक के लिए आप LIC का आधार स्तंभ प्लान ले सकते हैं। अब बात करते हैं प्रीमियम पेइंग मोड की, यानी कि बीमा धारक अपने प्रीमियम का भुगतान किस तरीके से कर सकता है। तो दोस्तों, LIC के आधार स्तंभ पॉलिसी में प्रीमियम का भुगतान करने के लिए चारों ही मोड अवेलेबल हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रेस पीरियड की। ग्रेस पीरियड यानी कि एक्स्ट्रा टाइम जिसमें आप अपने प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। मान लीजिए अगर बीमा धारक अपने प्रीमियम का भुगतान मंथली कर रहा है तो उसका ग्रेस पीरियड है 15 दिन, और अगर वो क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली अपनी प्रीमियम का भुगतान कर रहा है तो ग्रेस पीरियड है 30 दिन, ठीक है। अब बात करते हैं लोन फैसिलिटी की। LIC की आधार स्तंभ पॉलिसी में भी लोन फैसिलिटी अवेलेबल है आफ्टर 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल बाद आप LIC के इस प्लान में लोन ले सकते हैं। अब बात करते हैं सरेंडर वैल्यू की। तो दोस्तों, LIC के आधार स्तंभ पॉलिसी में सरेंडर वैल्यू भी आप ले सकते हैं आफ्टर 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल प्रीमियम का भुगतान करने के बाद आप अपनी LIC के आधार स्तंभ पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं टैक्स बेनिफिट्स की। तो दोस्तों, LIC के आधार स्तंभ प्लान में अगर आप प्रीमियम का भुगतान, प्रीमियम की बात करें तो इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत टैक्स फ्री है, और डेथ या मैच्योरिटी बेनिफिट भी इनकम टैक्स के सेक्शन 10D के तहत टैक्स फ्री है। आइए दोस्तों, अब हम LIC के आधार स्तंभ पॉलिसी एक उदाहरण से समझते हैं ताकि हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। आइए, सबसे पहली बात, अगर कोई 30 साल का व्यक्ति LIC की आधार स्तंभ पॉलिसी 20 साल के लिए लेता है, मान लीजिए उसने 2 लाख के लिए आधार स्तंभ पॉलिसी ली, तो उसको प्रीमियम का भुगतान जो है मंथली अगर वो कर रहा है तो वो है 617 रुपये। ये दूसरे साल से प्रीमियम में कब भुगतान करेगा वो। पहले वर्ष GST की रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है तो वो प्रीमियम अलग होगा, पहले साल 10-15 रुपये ज़्यादा होता है, बस बाकी दूसरे साल से आपको 617 रुपये ही पे करने हैं। इस तरीके से आप 20 साल में 1,45,180 रुपये तक प्रीमियम का भुगतान कर चुके होंगे, ठीक है। इसके अगेंस्ट में आपको मैच्योरिटी के टाइम 2,65,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। आइए अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट्स के बारे में, यानी कि पॉलिसी अवधि के दौरान अगर बीमा धारक के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है और किसी कारणवश वो अपने परिवार के बीच जीवित नहीं रहता, तो LIC के आधार स्तंभ पॉलिसी में क्या बेनिफिट्स हैं उनके लिए, ठीक है। आइए, मान लीजिए अगर फर्स्ट 5 ईयर्स में, पहले 5 साल में बीमा धारक के साथ कुछ अनहोनी होती है और वो किसी कारणवश जीवित नहीं रहता है,
तो नॉमिनी को सम अश्योर्ड का भुगतान होगा। जो उदाहरण हमने समझा था उसमें 2 लाख का बीमा लिया था बीमा धारक ने, तो उसको 2 लाख भुगतान हो जाएगा नॉमिनी को। मान लीजिए अगर 5 साल बाद वो किसी कारणवश जीवित नहीं रहते हैं तो उनके नॉमिनी को 2 लाख प्लस लॉयल्टी एडिशन मिलेगा। लॉयल्टी एडिशन इस बात पर डिपेंड करता है कि LIC की आधार स्तंभ पॉलिसी चली कितने टाइम तक है। जितने ज़्यादा टाइम तक चलेगी उतना ज़्यादा लॉयल्टी एडिशन होगा। तो दोस्तों हमने डेथ बेनिफिट्स देख लिए, और जब डेथ बेनिफिट या क्लेम आप बीमा धारक नॉमिनी को मिल जाता है उसके बाद पॉलिसी क्लोज हो जाती है। ठीक है, बात हो गई। अब बात करते हैं राइडर्स की। राइडर्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा फैसिलिटीज विद एक्स्ट्रा प्रीमियम। LIC की आधार स्तंभ पॉलिसी में अगर आप एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी या डेथ बेनिफिट राइडर लेते हैं तो आपको एडिशनल सम अश्योर्ड मिलेगा। यानी कि अगर 5 साल में बीमा धारक जीवित नहीं रहता है तो 2 लाख तो सम अश्योर्ड मिलेगा ही मिलेगा, और एडिशनल 2 लाख रुपये मिलेंगे। ऐसे ही यहाँ पर एडिशनल 2 लाख रुपये मिलेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको LIC का आधार स्तंभ प्लान अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट टू द मैक्सिमम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।